साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे आज बात करेंगे, नई साल का दुबई में एक्सपो यानी 2020 होने जा रहा है। सब लोगों को पता भी है, अभी टाइम पड़ा है, अभी 2-3 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद ये स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या हुआ कि अभी नई गवर्नमेंट ने पॉलिसी करी है वीजा से रिलेटेड, दुबई गवर्नमेंट ने। हालांकि लोगों ने बहुत सारे पहले वीडियो बना दिए थे लेकिन मैंने नहीं डाला, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इंडियन पाकिस्तानी कहीं से भी हैं, दुबई जाना चाहते हैं, ये वीजा उन लोगों के लिए काम का है जो बिजनेस से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, बार बार जिनको दुबई आना जाना पड़ता है। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने, दुबई यूएई गवर्नमेंट ने कुछ करने की सोची थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। अभी 2020 वहां पे हो रहा है, आने वाले टाइम पे 3-4 महीने के बाद में दुबई में लगभग 2.5 करोड़ एवरेज गवर्नमेंट ने निकाला है। पिछले जो ईयर की बात करें तो लगभग 21 मिलियन लोग पॉपुलेशन है जो दुबई में गई थी विजिट वीजा से, यानी 21 लाख लोग जिसको बोल सकते हैं। अभी का टारगेट है 2020 में कि 2.5 मिलियन, यानी 2.5 मिलियन का मतलब 25 लाख लोगों का टारगेट है दुबई का, कि भाई इंडिया जितने भी कंट्रियां हैं के लोग दुबई में पहुंचे। तो इसके लिए वहां की गवर्नमेंट ने वीजा में सहूलियत की है। पहले क्या होता था कि 1 मंथ वीजा दुबई गवर्नमेंट देती थी, 3 मंथ देती थी पहले, बाद में 6 महीने का वीजा निकालने के बारे में भी सोचा था पिछले साल 2019 में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज करके अपना प्रस्ताव पास करके, आप सब जगह इसको सर्च कर सकते हैं, यूएसए की तौर पे जैसे कंट्री है ना, यूरोप कंट्रियां, उसी के तौर पे और यूएई गवर्नमेंट ने 5 साल का वीजा भी निकालने का ऐलान कर दिया है। शायद ये मार्च से स्टार्ट होगा, फर्स्ट मार्च से, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि जो लोग दुबई बार बार बिजनेस से रिलेटेड जाना पड़ता है, जैसे एक महीने का वीजा आदमी ले लेता है तो वो 1 महीने में एक बार 10 दिन लेके आया, दोबारा से उसको वीजा अप्लाई करना होता है, या 3 मंथ वाला ले लेता है तो वो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि एक बार अगर किसी को वीजा देते तो 5 साल तक उनको टेंशन नहीं रहेगी। 5 साल में होता कि आपको इसमें मिलेगा क्या फायदा, 5 साल का आपको वीजा मिलेगा, प्रोसेस सेम वही है जो 1 महीने का 3 महीने का वीजा निकालते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, फीस इसमें बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, वो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया है, वो अभी ऐलान गवर्नमेंट का बाकी है। इसमें अभी जैसे आपको वीजा मिल जाता है तो उसमें आप एक बार में 6 महीने तक लगातार दुबई रह सकते हैं उसी वीजा में, लेकिन उसमें आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, या ऐसा नहीं कि यहाँ से विजिट में गए वहां जॉब लग गए, वो इलीगल होगा। अगर आप पकड़े गए तो आपको फिर वहां का गवर्नमेंट कुछ न कुछ ला के हिसाब से सजा देगा। आप ये सोच रहे हो कि विजिट वीजा लेके 6 महीने काम कर लिया, इंडिया आ गए, 1 महीने इंडिया रहे, वापस चले गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। 5 साल का वैलिड वीजा रहेगा, इसमें आपको 6 महीने तक एक बार आप जाओगे तो आप रह सकते हो, 6 महीने बाद आपको एग्जिट होना पड़ेगा, दुबई निकलना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कंट्री जाओ, चाहे आप इंडिया हो, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा जा सकते हो 6 महीने के लिए, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। इस तरह से ये 5 साल तक आप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके फैमिली में माता पिता वहां रहते हैं जॉब से रिलेटेड, उनके बच्चे इंडिया में रहते हैं या फिर अपनी कंट्री में रहते हैं, उनके लिए बेस्ट है कि वो वहां पे जा सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी पर्पज से, वो वहां पे जाके अपना काम करके वापस आ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ये वीजा रहेगा। और जो बार बार बिजनेस से, आपको पता है भाई दुबई का इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, तो जो बिजनेस से पर्पज बार बार दुबई ट्रेवल करना पड़ता है उनके लिए बहुत बेस्ट है। एक बार वीजा ले लिया, 5 साल तक रिलैक्स हो जाओ, कितनी बार आओ कितनी बार जाओ कोई झंझट नहीं रहेगा। ये भी सुनने में आ रहा है जो 5 साल का वीजा होगा वहां की इमिग्रेशन एक अलग से उनको कार्ड देगी, उनको इमिग्रेशन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइन में, उनका सिस्टम अलग से रहेगा, उनको चिप ऑनलाइन वो लगाते ही सिस्टम पूरा क्लियर होगा और वो तुरंत बंदा निकल जाएगा। क्योंकि 5 साल का वीजा आदमी ऐसे तो कोई लेगा नहीं, जो प्रोफेशनल होगा या फिर बार बिजनेस कोई भी पर्पज से मान लीजिए वो ये वीजा लेंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट कुछ अलग से सहूलियत करेगी। अब इसका गवर्नमेंट कितना चार्ज वसूल करेगी एक साथ में, कैसे लेगी, अब वो पता नहीं भाई कितना होने वाला है, क्योंकि एक महीने वाले का 8-10 हजार रुपये लग जाता है, 3 मंथ वाले का 20-25 हजार रुपये लग जाता है, तो मेरे हिसाब से उसके गुणात्मक करें तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, इसके हिसाब से तो 1 लाख रुपये होगा, लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि यूएसए का वीजा इतना मेरे हिसाब से सस्ता, बहुत सस्ता है उससे, तो उसके हिसाब से ज्यादा नहीं होने वाला, कम ही होगा, लेकिन कितना आएगा वो फरवरी लास्ट में शायद गवर्नमेंट निकालेगी तब पता लग पाएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बार बार दुबई ट्रेवल करना चाहते हैं। आज की जानकारी इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में और कोई जानकारी होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको रोज मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।